नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। खबर मौसम से जुड़ी है, जहां हम आपको मौसम का ताजा अपडेट बतलाने आए हैं। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में बिहार में मौसम एक बार फिर से एक करवट ले सकता है। जहां लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही थी, वही अब लोगों को थोड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है, उस जानकारी में कहा गया है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। जहां एक तरफ सावन अब खत्म होने जा रहा है, तो वहीं मौसम भी एक बार फिर से करवट लेते हुए नजर आ रहा है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी कर दी है। मॉनसून एक बार फिर से राज्य में सक्रिय हो गया है। लोग लंबे समय से झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे थे। सावन में लोगों को उमस भरी गर्मी ने सताया, इसके बाद बारिश की गतिविधि राज्य भर में बढ़ी। वर्षा में गर्जन और ठनका का अलर्ट है। बिहार में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ दिनों में बारिश हो रही है, वहीं सावन में यहां लोगों को उमस भरी गर्मी झेलना पड़ रहा था। राज्य भर में फिर से मौसम विभाग ने बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल मौसम की तरफ से जो जानकारी मिली है, इस जानकारी में कहा गया है कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ वज्रपात के भी आसार हैं। आपको बताते चलें कि मौसम इन दिनों लगातार कभी सही तो कभी खराब रह रहा है। जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी निकली है, उसमें यह भी कहा गया है कि सावन महीने में जहां लोगों को उमस भरी गर्मी सता रही थी, तो वहीं अब लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों को बारिश देखने को मिल सकता है। बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि घर पर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, साथ ही साथ पेड़ पौधों के नीचे ना रहें, बाहर ना निकले, जब जरूरी काम हो तभी बाहर निकले। फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर्मेशन।